नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सर्वो मोटर पर बेस कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट हमारा। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि डेल्टा पीएलसी में सर्वो मोटर को कैसे चलाते हैं, उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल वीडियो दोनों मैंने बताया था, पढ़ाया था, वो काफी डिटेल में बताया था। अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो कृपया उन सबको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखिए, मिसुबिशी पीएलसी में सर्वो को चलाने के लिए हम एक्चुअली चलाएंगे मोशन कंट्रोल कार्ड के बारे में हम स्टडी, बट मोशन कंट्रोल कार्ड तक पहुंचने से पहले हमको सर्वो को यह पता कर लेना चाहिए कि कितने टाइप के सर्वो होते हैं और हार्ड वायरिंग पे कैसे चलाना है और मोशन कंट्रोल कार्ड के थ्रू किस सर्वो को हम चलाते हैं, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है ये जान लेना हमारे लिए कि हमको सर्वो मोटर को ऑपरेट करना है तो हम सर्वो मोटर को कितने तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं और कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, मिसुबिशी पीएलसी में सर्वो को चलाने के लिए सर्वो को हम जीएक्स वर्क 2 से भी चला सकते हैं, मींस ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का नाम है, जीएक्स वर्क 2 और जीएक्स वर्क 3 दोनों से। तो जब हम GX Work 3 से प्रोग्रामिंग करते हैं तो मींस GX Work 3 में हाई स्पीड का सेटअप करना पड़ता है, जबकि GX Work 2 में नहीं करना पड़ता है। जब मैंने डेल्टा पीएलसी के बारे में बताया था और इसका प्रैक्टिकल करके वीडियो दिखाया था, तो उसमें मैंने उसके सॉफ्टवेयर में कुछ सेटअप नहीं किया था, WPL सॉफ्टवेयर पे मैंने किया था, तो उसके हाई स्पीड सेटअप का कुछ मींस मैंने सेटअप नहीं किया था, कुछ भी हाई स्पीड मैंने आउटपुट को असाइन नहीं किया था। बट अब GX Work 3 में यूज करोगे, जब GX Work 3 में, तो इसमें हाई स्पीड का सेटअप करना पड़ता है, मींस हाई स्पीड आयो हमको सेटअप करना पड़ता है, हाई स्पीड आउटपुट को असाइन करना पड़ता है। जबकि जीएक्स वर्क में अगर 2 की बात करूं, तो जीएक्स वर्क 2 में, तो इसमें हाई स्पीड का सेटअप नहीं करना होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप प्रोग्राम सपोज आपने लिख लिया बट हाई स्पीड का सेटअप नहीं करोगे तो मिसुबिशी में सर्वो को आप नहीं चला पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये जान लेना कि हम कहां पे सेटअप करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं और जितने एक्सिस होते हैं, मींस कितने एक्सिस तक का हम सर्वो मिसुबिशी में चला सकते हैं, ये जान सकते हैं। और जितने भी एक्सिस है, हर एक एक्सिस का स्पेशल कुछ डेटा रजिस्टर है जिसमें हम पल्स को देखते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को देखते हैं और उसके होम कंडीशन को असाइन करते हैं, उसके होम कंडीशन को असाइन करते हैं। तो ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी कि जीएक्स वर्क 3 में हम, या फिर जीएक्स वर्क 3 में मैं आपको सेटअप करके एक्चुअली में दिखाऊंगा और जितने भी इंस्ट्रक्शन है उन सबको यूज करके भी बताऊंगा, और जीएक्स वर्क 2 में भी आप विदाउट सेटअप किए हुए, मींस जीएक्स वर्क 3 में प्रोग्रामिंग करना जानते हैं तो जीएक्स वर्क 2 में इजिली आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, या फिर जीएक्स वर्क 2 में जानते हैं तो जीएक्स वर्क 3 में भी कर सकते हैं। बट जीएक्स वर्क 3 में हमको हाई स्पीड का सेटअप करना पड़ता है। बट अब देखिए, जीएक्स वर्क 3 में जब भी मिसुबिशी की सर्वो की बात होती है तो मिसुबिशी में सर्वो 3 टाइप का होता है, सर्वो फर्स्ट ए टाइप और सर्वो सेकेंड होता है, सर्वो बी टाइप और तीसरा जो होता है सर्वो सी टाइप। जो ए टाइप सर्वो होता है ये मेरा हार्ड वायरिंग पे चलता है, मींस हार्ड वायरिंग। अच्छा, हार्ड वायरिंग का मतलब मैं अभी बताता हूँ। अब देखिए, जो हमारा CN3 कनेक्टर होता है, हम CN3 पे 50 पिन का कनेक्टर होता है, इस पर हम कुछ 0 वोल्ट 24 वोल्ट देते हैं और पल्स के लिए Y0 Y1 असाइन करते हैं, मींस हार्ड वायरिंग पे चलता है। हार्ड वायरिंग कहने का मतलब है इसमें हम जैसे PLSV, PLSY, DDR VA, DDR VI, PLSR इंस्ट्रक्शन, जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, ये हार्ड वायरिंग में यूज किया जाता है। जो हमारा ए टाइप सर्वो होता है, ए टाइप सर्वो को ऑपरेट करने के लिए हमको इंस्ट्रक्शन के थ्रू ए टाइप सर्वो को ऑपरेट करते हैं। तो देखिए, जब आपको, और सेकेंड टाइप जो बी टाइप सर्वो होता है, ये मोशन कंट्रोलर कार्ड के थ्रू, मोशन मॉड्यूल के थ्रू इस सर्वो बी टाइप सर्वो को ऑपरेट किया जाता है। बट देखिए, एक चीज क्वारी आ जाती है कि क्या ये सभी जो इंस्ट्रक्शन मैं यूज कर रहा हूँ ए टाइप सर्वो में, मींस क्या ये मोशन कंट्रोल कार्ड में यूज होता है? नहीं। तो देखिए, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं ये हमारे हार्ड वायरिंग में यूज होते हैं। अब जब आप मोशन कंट्रोल या मोशन मॉड्यूल यूज करते हो और सर्वो आपका बी टाइप होता है, बी टाइप ही सर्वो हमारा मोशन मॉड्यूल से चलता है, ए टाइप सर्वो नहीं चलेगा, ठीक है? तो मोशन मॉड्यूल हम जब यूज करते हैं तो जितने भी इंस्ट्रक्शन है हमारा PLSV, PLSY, DDR VA, DDR VI, PLSR या फिर TVR, तो ये सब इंस्ट्रक्शन हम इसमें मोशन मॉड्यूल में यूज नहीं करते, ये हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब हम इंस्ट्रक्शन यूज ही नहीं करेंगे तो ये मोशन कंट्रोल मॉड्यूल से चलेगा कैसे, फिर सर्वो कैसे चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे कि विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज किए ही मोशन मॉड्यूल से हम सर्वो को कैसे चलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो सी टाइप सर्वो होता है, हार्ड वायरिंग एंड
कम्युनिकेशन मॉड्यूल के थ्रू भी हम चला सकते हैं। मींस ये हमारा जो सर्वो सी टाइप होता है हार्ड वायरिंग और मींस मॉड्यूल मोशन मॉड्यूल के थ्रू दोनों के थ्रू हम सर्वो को चला सकते हैं। तो ये हमारा सी टाइप सर्वो होता है। देखिए सर्वो ए टाइप जिसमें हार्ड वायरिंग करने का मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो डैट ईच एंड एवरी टाइम आपको ये नहीं मिलेगा कि मोशन मॉड्यूल से प्रोग्रामिंग करो तो उस समय आपको हार्ड वायरिंग मिल जाता है। तो क्योंकि ये कार्ड बहुत एक्सपेंसिव होता है 30,000 से 50,000 के राउंड में वेरी करते रहता है। तो इतना महंगा पीएलसी के बाद भी ये कार्ड लगाना ये थोड़ा मींस डिफिकल्ट हो जाता है। कॉस्ट बचाने के चक्कर में हम इसको यूज नहीं करते बट जब कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमको मोशन मॉड्यूल चाहिए तो हम यूज करते हैं उस मोमेंट पर। बट उससे पहले हमको हार्ड वायरिंग पे सर्वो को चलाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ड वायरिंग पे सर्वो को कैसे चलाते हैं और इन सभी इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है। देन आफ्टर मोशन मॉड्यूल पे आप स्विच करेंगे मींस मोशन मॉड्यूल का सेटअप कैसे करते हैं और इससे सर्वो को कैसे चलाते हैं। जब सर्वो ए टाइप और बी टाइप दोनों जान जाते हैं कि कैसे चलाना है तो सी टाइप सर्वो आप इजीली से चला पाते हैं। तो ये हमारा था मोशन मॉड्यूल के मींस ये बेसिक कुछ पॉइंट है जो सर्वो के बारे में। अब मिसिबिसी में जीएक्स वर्कर 2 और जीएक्स वर्कर 3 में कैसे सेटअप करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। बट कितने टाइप का सर्वो है ये आपको यहां से पता चल जाता है कि हमारे 3 टाइप के सर्वो होते हैं और कैसे हमको इनको ऑपरेट करना होता है। क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसका आइडिया होना चाहिए कि किस सर्वो के लिए मोशन मॉड्यूल यूज होता है किसके लिए हार्ड वायरिंग यूज होता है। अच्छा वन थिंग इज दैट किसी भी सर्वो को चलाने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट है ये पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर इस पॉइंट के बारे में आइडिया रखते हैं तभी जाके सर्वो मोटर पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है। अच्छा आपके पास एक मोटर है तो मोटर क्या हो सकता है उल्टा भी चल सकता है और सीधा भी चल सकता है मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टा या सीधा। तो इससे क्या पता चलता है इससे डायरेक्शन का पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है कि मींस मोटर किस डायरेक्शन में चलाना है उल्टा चलाना है या सीधा चलाना है दूसरे शब्द में बोले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला चीज क्या पता चल गया कि डायरेक्शन कि किधर चलाना है उल्टा या सीधा। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके पास एक मोटर है तो मोटर को धीरा भी चला सकते हैं तेज मीन्स स्लो स्पीड में भी चला सकते हैं फास्ट स्पीड में चला सकते हैं। तो क्या मैटर करता है सेकेंड चीज स्पीड कि स्पीड क्या है स्लो चलाना है या फिर फास्ट चलाना है। तो सेकेंड चीज हमारा हो जाता है स्पीड। अच्छा अब जब आप प्रोग्रामिंग करोगे सर्वो के लिए ये स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं FREQUENCY फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं नंबर ऑफ द पल्स जनरेट किस स्पीड से पल्स हम जनरेट कर रहे हैं आउटपुट पोर्ट पे वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम सर्वो मोटर जब भी हम करेंगे प्रोग्रामिंग या सर्वो मोटर की जब भी बात करेंगे तो स्पीड मींस होता है मोशन स्पीड मींस होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है कि हमारा जब भी स्पीड की बात किया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी की बात किया जाएगा या फिर फ्रीक्वेंसी मैं बोलूं इसका मतलब आप ये समझना कि मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं। तो दो चीज हमको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको पता चल गया कि डायरेक्शन किधर उल्टा या सीधा और सपोज मुझे उल्टा ही चलाना या सीधा तो किस स्पीड से चलाना है सेकेंड चीज ये। थर्ड चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पोजिशन। अब पोजीशन में समझाता हूँ ये रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपके घर में एक पंखा होता है जब स्विच ऑन करते हैं पंखा हाई स्पीड पर चलने लगता है मींस फुल स्पीड पे और जब हम फैन को ऑफ करते हैं फैन को ऑफ करने के बाद भी वो 10-12 चक्कर घूमता है वो क्या है एरर। मुझे ये चाहिए कि मैं जब जैसे ही फैन को बंद करूं इमीडिएट उसी मोमेंट पे फैन मेरा ऑफ हो जाए बट ऐसा होता नहीं है वो क्या एरर। आपके पास इंडक्शन मोटर है या फिर मींस पानी वाला मोटर होता है सिंगल फेज या थ्री फेज जो भी ले लो आप जैसे ही हम उसको ऑफ करता हूँ फिर भी ऑफ करने के बाद भी 2-3 चक्कर 4 चक्कर रोटेट करता है वो हमारा एरर है। बट वहाँ से हम पोजीशन असाइन नहीं कर पाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास एक मोटर है और सिर्फ 90 डिग्री रोटेट करना है कितना डिग्री 90 डिग्री तो 90 डिग्री आप रोटेट नहीं कर पाएंगे फैन को स्टार्ट करेंगे तब तक वो हो सकता है कि एक चक्कर रोटेट कर जाए। या फिर मैं ये चाहता हूँ कि हाई स्पीड पे मैं चल रहा हूँ कि स्पीड मेरा हाई स्पीड या लो स्पीड कुछ भी है हाई स्पीड सपोज मान के चलो और मैं चाहता हूँ कि 360 रोटेट करूँ मीन्स एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद इमीडिएट उसी मोमेंट पर रुक जाऊँ एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद तो वो क्या हो गया ये पोजिशन हो गया कि मुझे 360 डिग्री रोटेट करना है तो 360 ही केवल रोटेट करना है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो क्या हो गया ये मेरा पोजीशन हो गया। सपोज आप पोजीशन को ऐसे समझो एक लीन जैसे ये सर्कुलर मूवमेंट है कि डिग्री में मैंने बात किया अगर लीनियर मूवमेंट की बात करूं सपोज यहां पे इसको मैं इरेज करता हूं नीचे समझाता हूं यहां पे समझा देता हूं। सपोज आपको 100 mm ट्रेवल करना है ये आपका 0 mm है और 100 mm ट्रेवल करना है ये है 100 mm
ठीक है 100 mm का पॉइंट है, आपने यहां पे जीरो पे है ठीक है, लीनियर वाल स्क्रू के थ्रू आप रोटेट करें, सर्वो के थ्रू आपने हाई स्पीड में रोटेट किया और जाके यहां पे 100 mm पे रुकना है ठीक है। तो आप जैसे ही 100 mm पर जाएंगे 100 mm का कंप्लीट का आपको सिग्नल मिलेगा कि 100 mm कंप्लीट हो गया है। इसके लिए स्पेशल बीट होते हैं, वो मैं आगे प्रोग्रामिंग में बताऊंगा। तो जैसे ही 100 mm कंप्लीट हुआ सर्वो वहीं पर रुक जाएगा उसी मोमेंट, बट आप इंडक्शन मोटर के थ्रू आप चला रहे हो, जैसे ही 100 mm कंप्लीट करोगे अगर वहां पर रुकोगे तो भी 2-3 चक्कर लग जाएगा और पता चला कि 100 mm से आपने आगे चला गया। मीन्स हो सकता है कि 120 mm 130 mm, तो ये 100 mm से जितना भी आप आगे जाएंगे वो क्या है, मेरा एरर है। अगर मैं सोचूं कि पहले ही बंद कर दूं 100 तक पहुंचा और 100 तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा, फिर वो भी एरर में कंसीडर हो जाएगा, तो इससे हमारा पोजीशन नहीं मिल पाता है जो सिंपल इंडक्शन मोटर होता है। इसीलिए हम सर्वो को यूज करते हैं जिससे हमको पोजीशन इजीली मिल जाता है। अगर मुझे 100 mm पर रुकना है तो 100 mm पर ही मैं रुकूंगा ठीक है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वो में, सर्वो को चलाने के लिए, कि जैसे दो चीज तो सिंपल होता है कि किसी भी मोटर में मिल जाता है कि उल्टा चलना के सीधा और किसी स्पीड से भी अपडिस के थ्रू भी इंडक्शन मोटर को चल लेते हैं, बट हम पोजीशन नहीं आसान कर पाते हैं, इसीलिए हम सर्वो मोटर को यूज करते हैं। तो तीन चीजें सर्वो मोटर को चलाने के लिए, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। पहला कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चलना, उल्टा चलना कि सीधा चलना है। स्पीड मींस फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से चलना है, मींस फास्ट चलना है स्लो चलना है, अगर फास्ट चलना है तो क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा, स्लो चलना है तो क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी। थर्ड चीज पोजीशन, हमको पोजीशन भी बताना पड़ता है कि कितना चलना है, 50 mm 100 mm 200 mm। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक पॉइंट है एक सर्वो को ऑपरेट करने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे कि सबसे पहले ए टाइप सर्वो को यूज करेंगे कि जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन उसको कैसे यूज करना है, देन आफ्टर मोशन कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में हमने बेसिक स्टडी किया कि सर्वो कितने टाइप का होता है, किसके लिए मोशन मॉड्यूल और किसके लिए किसको हार्ड वायरिंग पे यूज करते हैं। देन आफ्टर ये बेसिक पॉइंट है कि हमको एक सर्वो को चलाने के लिए हमारे दिमाग में क्या, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हम अपने माइंड में रख के चलेंगे कि डायरेक्शन और स्पीड मींस फ्रीक्वेंसी और पोजीशन, तब जाकर हम सर्वो को चला सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।